ओके, बहुत जल्द क्लास कोड रैंक का न्यू सीजन आने वाला है और अगर तुम्हें इस बार सबसे पहले ग्रैंड मास्टर जाना है देन मेरा ये ट्रिक तुम्हारे काम में आएगा। टॉप 5 क्लास कोड रैंक पुश ट्रिक बताऊंगा जिसे फॉलो करके तुम आसानी से हेरोइक देन मास्टर एंड देन ग्रैंड मास्टर जा सकते हो। ठीक है। बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। ऑलराइट गाइस, ट्रिक नंबर 1 प्लेइंग टाइमिंग। देखो, रैंक पुश करना है और चाहते हो कि ओपोनेंट में नॉर्मल बंदे आए, मींस तगड़े बंदे ना आए, देन प्लेइंग टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ज्यादातर प्लेयर शाम को एंड रात को खेलते हैं और अगर तुम भी उसी वक्त खेलोगे देन तगड़े तगड़े प्लेयर आएंगे और बुया निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए टाइमिंग को चेंज करो, सुबह रैंक पुश करो, नॉर्मल प्लेयर आएंगे तुम आराम से बुया निकाल सकते हो और जल्दी से जल्दी ग्रैंड मास्टर भी जा सकते हो। देखो, फ्री फायर ज्यादातर बच्चे खेलते हैं और सुबह को बच्चे स्कूल चले जाते हैं, इसीलिए रैंक पुश करना थोड़ा इजी हो जाता है। अगर तुम भी स्कूल जाते हो देन आफ्टरनून में आके खेल सकते हो, उस वक्त भी नॉर्मल प्लेयर आते हैं। देन ट्रिक नंबर 2 प्लेइंग विद लो रैंक प्लेयर। बहुत बार क्या होता है, आप अपने स्क्वाड के साथ खेलते हो लेकिन तुम्हारे स्क्वाड मेंबर का रैंक तुमसे ज्यादा होता है, देन मेक श्योर ओपोनेंट में भी अच्छे बंदे आएंगे और फिर क्या वही नतीजा हार का सामना करना पड़ता है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। तो गाइस, अगर तुम्हें आराम से मैच निकालना है देन तुम्हारा रैंक जितना है उससे कम रैंक प्लेयर के साथ खेलो या फिर सेम रैंक प्लेयर के साथ खेलो। इससे क्या होगा, ओपोनेंट में भी सेम रैंक प्लेयर आएंगे और सेम फाइट होगा, मुकाबला बराबरी का होगा, तो मैच निकालना भी इजी हो जाएगा। और अगर तुम्हारे पास अच्छे स्क्वाड है जो बात करके खेलते हैं, बात सुनते हैं, देन तुम उनके साथ खेल सकते हो, वरना रैंडम प्लेयर के साथ खेलो, सेम रैंक प्लेयर आएंगे और मजा आएगा खेलने में भी। तो गाइस याद रखना ये 2 ट्रिक। देन ट्रिक नंबर 3, हर बार की तरह इस बार भी बोलूंगा बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन यूज करो। आप लोगों को एक अच्छा कॉम्बिनेशन यूज करना है। मैं ऑलरेडी क्लास कोड कॉम्बिनेशन के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ, चैनल में आप लोग देख सकते हो, लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपडेट के बाद लेटेस्ट वाला वीडियो आएगा, काम चल रहा है कॉम्बिनेशन के ऊपर। लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर है जिसका स्किल तुम अपने टीममेट के साथ भी शेयर कर सकते हो, जैसे कि मोको हो गया, आलोक, क्लू, के कैरेक्टर, दिमित्री, ये सब कैरेक्टर को यूज करना जरूरी है। अब सारे प्लेयर सेम कैरेक्टर को यूज मत करना वरना आपको प्रॉपर स्किल का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे कि स्क्वाड के सारे प्लेयर क्लू कैरेक्टर को यूज कर रहे हो और अगर एक साथ 2 प्लेयर क्लू एबिलिटी को यूज कर देते हो देन समझ लो एक एबिलिटी लॉस हो गया। तो इसीलिए बोला स्क्वाड के सभी प्लेयर अलग अलग कैरेक्टर को यूज करना, कोई क्लू यूज करेगा तो कोई आलोक कैरेक्टर यूज करेगा, कोई के कैरेक्टर, कोई दिमित्री कैरेक्टर को यूज कर सकता है। बस ऐसे ही सारे प्लेयर अलग अलग कैरेक्टर यूज करो, फिर देखना पूरे टीममेट को बेनिफिट मिलेगा, तुम इजिली मैच भी निकाल सकते हो। सो गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लग रहा है देन वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने टीममेट के साथ इस वीडियो को शेयर करो। ओके, देन नेक्स्ट ट्रिक नंबर 4, लोडआउट सिलेक्शन। क्लास कोड में अभी लोडआउट का बहुत बड़ा रोल हो चुका है। कुछ ऐसे लोडआउट है जो तुम्हारे गेम प्ले को और जबरदस्त कर देते हैं एंड क्लास कोड में बहुत ज्यादा यूज भी है लोडआउट का। जैसे कि एक लोडआउट है सप्लाई क्रेट। एवरी क्लास कोड राउंड में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आइटम देगा, जैसे कि फर्स्ट राउंड में कटाना, देन कुछ हीलिंग आइटम, सुपर मेडिकेट, इनलर, बॉनफायर, चीप और भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आइटम एवरी राउंड में मिलता रहेगा अगर तुम सप्लाई क्रेट को इक्विप करते हो देन। ओके, एक और लोड आउट है बॉनफायर। क्लास कोड जैसे ही स्टार्ट होगा तुम्हें टोटल 3 बॉनफायर मिलेगा, तुम जब चाहे ये 3 बॉनफायर को यूज कर सकते हो। और तो और ये बॉनफायर तुम्हारे टीममेट का भी हेल्प में आने वाला है। अगर तुम बॉनफायर यूज करते हो देन तुम्हें और तुम्हारे स्क्वाड के सभी प्लेयर को HP एंड EP दोनों मिलेगा। एंड लास्ट एक यूनिक लोड आउट है जिसे यूज करने के बाद तुम्हारा कैरेक्टर के अंदर हल्क घुस जाएगा। लोड आउट का नाम है सीक्रेट क्लू। क्लास कोड में जहाँ से तुम गन, वॉल वगैरह बाई करते हो स्टोर, उसके नीचे एक सीक्रेट बाजार दिखेगा, वहाँ से तुम ये कुछ आइटम है जिसे खरीद सकते हो। जैसे कि पहला है रीस्टोर EP। इसे लेने के बाद तुम्हें और तुम्हारे सारे टीममेट का EP फुल हो जाएगा। देन सेकंड है क्विक EP कन्वर्जन। इसे लेने के बाद तुम्हारे पास EP होगा, वो HP में फास्ट कन्वर्ट होगा, जैसे कि के कैटर का एबिलिटी वर्क करता है, ये भी तुम्हारे टीममेट का काम में आएगा। ये जो सारे
आइटम है, इनका बेनिफिट तुम और तुम्हारे टीममेट उठा सकते हो। देन थर्ड है स्पीड बूस्ट, कैरेक्टर का स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। एंड लास्ट है फोर्थ वन मेडिकिट पर, इसे लेने के बाद सभी प्लेयर को एक एक एक्स्ट्रा मेडिकिट मिलेगा, मीन्स टोटल 3 मेडिकिट हो जाएगा। ये 3 लोड आउट सबसे बेस्ट है क्लास कोड के लिए। अगर तुम्हें सारे लोड आउट आइटम के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए देन कमेंट करो। ओके एंड लास्ट ट्रिक नंबर 5 मल्टीप्लेयर रोल। अब सब कुछ सही हो गया, तुम्हारे पास एक अच्छा स्क्वाड है, कॉम्बिनेशन है, लोड आउट है और टाइम भी है, तो चलो खेलते हैं। नहीं, रुको जरा, सबर करो। स्क्वाड होने से क्या होगा, रोल इम्पोर्टेंट है। अब अगर स्क्वाड के सारे प्लेयर रसर है देन डायरेक्ट रस करने घुस जाओगे, फिर क्या होगा, डैम श्योर पिट के आओगे। तो इसीलिए रोल इम्पोर्टेंट है, स्क्वाड में मल्टीप्लेयर होना चाहिए। कोई स्नाइपर होगा, 2 रसर होगा एंड 1 सपोर्टर होगा। अब क्या होगा, स्नाइपर और लॉन्ग रेंज फाइटर वो एनिमी को डैमेज देगा, उनके वेस्ट वो सब फाड़ देगा। देन सेकेंड है 2 रसर, उसी वक्त रसर क्या करेंगे, रस करेंगे। देन जो सपोर्टर है वो क्या करेगा, एक अच्छा एंगल से रसर को कवर देगा। तो ये होता है फुल ऑन प्लानिंग, इसके बाद तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता है। तो गाइस और भी बहुत सारा ट्रिक है, जैसे कि फ्लैंकिंग, सीक्रेट एंगल्स, जजमेंट, अगर तुम्हें इनके ऊपर वीडियो चाहिए देन इस वीडियो में 10K लाइक कंप्लीट कर दो और ये 5 ट्रिक को फॉलो करके आराम से ग्रैंड मास्टर जा सकते हो। तो रेडी हो जाओ, जैसे ही सीजन चेंज होगा पुश करना स्टार्ट कर देना। ओके तो भाई लोग, अगर तुम्हें तगड़ा क्लास कोड कॉम्बिनेशन वाला वीडियो चाहिए देन इस वीडियो को देख लो और कमेंट करना अच्छा लगे तो। आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।